साल 2050, ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ये बिल्डिंग्स, ये रोड, ये पूरा शहर सब खत्म हो चुका है। एक टाइम था जब यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ जिंदा लाशें रहती हैं जिनका नाम है द इन्फेक्टेड या फिर ज़ॉम्बीज। इस सब की शुरुआत तब हुई जब एक ज़ॉम्बी को शहर के नज़दीक देखा गया। किसी को नहीं पता कि वो वहाँ पर आया कहाँ से, लेकिन देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर पूरा शहर कब इन्फेक्ट हो गया कुछ पता ही नहीं चला। थोड़े टाइम में इस वायरस ने दुनिया की ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर दिया और जो थोड़े बहुत लोग इन्फेक्ट होने से बच गए वो इन शहरों से काफ़ी दूर जाकर रहने लगे। उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक थे हम। हमारा टारगेट है ज़ॉम्बी से बचकर इस अबैंडन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना और 100 डेज सर्वाइव करना, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि ये ज़ॉम्बी हमें काफी दूर से सेंस कर सकते हैं और किसी भी ब्लॉक को माइन भी कर सकते हैं। पर असली चैलेंज डे 50 के बाद शुरू होगा क्योंकि इन ज़ॉम्बीज की स्पीड और पॉपुलेशन हर दिन खुद ही बढ़ती जाएगी और इन सबको और भी मुश्किल बनाने के लिए किसी भी दिन रैंडमली ब्लड मून हो सकता है जिससे कि हजारों ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकते हैं। तो क्या हम 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमें जरूर पता है, तुम्हें इस वीडियो को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो हो सके तो लाइक जरूर करना। Let's aim for 50,000 likes and yeah, enjoy the video। तो डे 1 पर हम स्पॉन हुए रेगिस्तान के बीच में, लेकिन साथ में एक विलेज थी तो हमारे खाने का जुगाड़ काफी इजिली हो गया। बेड है यहाँ पे, बेड उठा ले। हैंड इज अप। ओ भाई, द रॉक की तरह आईब्रो रेज किया इसने, गोलम ने। ओए इधर आ, ये ले ब्रेड ले। ए भाई, ये क्या सा कार्टून की तरह काय को चल रहा है ये। काफी देर तक हम उस पूरे विलेज को लूटते रहे और तभी हमें नजदीक एक घर दिखाई दिया। नजदीक जाकर हमें वहाँ पर उस घर का मालिक भी मिला, लेकिन वो आदमी हमसे भी गरीब था क्योंकि उसके घर में रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं था। मैं गरीब हूँ और वो खुद भी बेचारा भूखा ही था, तो हमने उसकी हेल्प के लिए उसे खाने के लिए ब्रेड दी, लेकिन उसे कुछ और ही चाहिए था। सिक्योरिटी इतनी लगा रखी इसने घर में, खाने के लिए इसके है कुछ नहीं। कौन? इधर है देख, ऊपर आइयो, इधर है ये बंदा खड़ा हुआ, रोंजा ऑटोसन। ये नहीं खा रहा कुछ नहीं, कर लिया मैंने चेक। क्या चाहिए? तो उसके बाद हम विलेज से आगे की तरफ गए। थोड़ी दूर हमें कुछ नए जानवर दिखाई दिए जो थे ऊंट भाई, लेकिन सैडली हम उन पर बैठ नहीं सकते। और इसके साथ ही हमें टमाटर के पेड़ भी मिले, पौधा जिनसे हमें टमाटर तो नहीं मिल पाया, शायद टमाटर के लिए हमें अगले सीजन तक का वेट करना पड़ेगा। और छोटा सा घर है यहाँ पे इसका। अच्छा, ये ऊंट क्या नाम इसका? एमरिक वांट्स 1 कुक्ड रैबिट 4 सैल्मन। क्या देगा ये अगर हमने दिया इसे? हमारा दोस्त बन जाएगा तब बस हेल्प कर सकता है हमारी, पर अभी हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये क्या इतना बड़ा वहाँ पे टेम्पल जैसा? टेम्पल है। एक मिनट। काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद थोड़ी और आगे जाकर हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और वहां पहुंचकर हमें उसके अंदर काफी सारे मकड़ियों के जाले मिले। ओ, अंदर है कुछ ट्रैप्स आई थिंक। ये क्या है? मकड़ी। ओ, आ रहा है कुछ, आ रहा है तेरे पीछे, आ रहा है कुछ भाई। ये क्या भाई, डैमेज दे रहा है, बहुत डैमेज दे रहा है। तो एक हार्ट है मेरे पास, ये नहीं छोड़ रहा हमारा पीछा। क्या ये? ज़ॉम्बी। मार 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 भाई, इसने मेरी एक भाई आधी हेल्थ खत्म कर दी। मकड़ी ने मुझे एक हार्ट पे पहुंचा दिया था। वी नीड आर्मर और टूल्स जल्दी। जैसे तैसे इन मॉब से बचने के बाद हमें नजदीकी एक विलेज मिली और क्योंकि रात भी होने वाली थी तो हम उस विलेज के अंदर चले गए। अबे ज़ॉम्बी विलेजर। डेड विलेज है या कोई भी नहीं यहाँ पे। आजा नीचे आ, नीचे आ। घरों के अंदर भी ज़ॉम्बीज है। नेक्स्ट डे सुबह होते ही हमारा सामना हुआ एक ज़ॉम्बी भाई से और उसके हाथ में एक पिकैक्स भी थी जिसका मतलब था कि ये ज़ॉम्बीज माइन भी कर सकते हैं। ओह, इधर केव से आ रहे। आजा पानी से दूसरी तरफ चलते ना, फिर लेट्स सी क्या हो सकता है। हमें चाहिए होगी कोई हरियाली वाली जगह जहाँ पे माइन हो सके। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और हमको आर्मर चाहिए होगा, डायमंड आर्मर या जो भी है मैक्स लेवल का। इसमें काफी देर तक हम सिर्फ एक्सप्लोरेशन करते रहे और फिर फाइनली हम एक हरियाली वाली जगह दिखाई दी। यहाँ दिख नहीं रहे हैं शैडोज की वजह से। ओ हरियाली हरियाली, अरे मेरी स्वॉर्ड टूट गई यार। लेकिन उस जगह के नजदीक जाते ही हमें पता चला कि वो एक स्वैम्प बायोम है। सुन हरियाली तो है इधर पर लकड़ी नहीं है। अच्छा वो बायोम ये है वो। अच्छा नहीं है, लकड़ी भी है, लकड़ी भी है। काफी देर तक हम वहीं पर रहे और जरूरत के सारे टूल्स बनाए। फिर थोड़ी दूर हमें केव टाइप एंट्रेंस दिखी तो हमने जल्दी से एक बोट बनाई और उसकी तरफ गए और वहां पहुंचकर हमें पता चला कि वो सिर्फ एक लावा पूल था। थोड़ी दूर हमें एक आदमी और उसका घर मिला तो हमने वहीं पर रहने का प्लान बनाया। लेकिन नजदीक एक केव भी थी और केव से काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आ सकते थे तो हम वहां से थोड़ी दूर चले गए और फिर हमने रात होने का इंतजार किया। अब हरियाली तो है यहाँ पे पर ये हरियाली वैसे तो नहीं स्वैम्प वाली है ना, स्वैम्प वाली होगी ना। स्वैम्प ही है। ऊंट है, ऊंट को मार के देख, इसे मार के क्या मिलेगा। मार क्या मिला। कुछ भी नहीं। काफी देर ट्रैवल करने के बाद हमें एक विलेज मिला और अभी हमारे पास क्या इतना बड़ा सा। हाँ चल 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 चल। जो कि कुछ ज्यादा ही सुंदर और आलिशान था, ऐसा लग रहा था कि वो अंबानी जी का विलेज है। जिंदा गांव है भाई, सुंदर है तो बहुत ही ज्यादा। इनके तो घर भी आलिशान है और इनके अंदर वीट भी है। ये तो किसी शेख का घर है, दुबई के शेख का। और बड़े अमीर लोग है ये सारे। अभी जितने भी दिन हमको सर्वाइव करने, उनका सारा खाना इधर से मिल जाएगा। रहने के लिए भी अच्छी एक्चुअली है जगह। लकीली उस विलेज में रहने के लिए हमें कमरा भी मिल गया, साथ ही उस कमरे में बालकनी भी थी तो हम चारों तरफ पर नजर भी रख सकते थे। मेरे ज़ॉम्बी दिख रहा है, एक ज़ॉम्बी दिख रहा है और भयानक सी तलवार लेके खड़ा है। डरावना सा लग रहा है तो बहुत ज्यादा। फिर हम आराम से रात होने का इंतजार करने लगे लेकिन तभी हमारे साथ एक बहुत ही खराब चीज हुई। ओबे ओबे भाई, शिट 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 शिट, चल 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 भाग 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 भाग। ए ये नीचे कूद गई है। जिंदा बच गए। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें ज़ॉम्बीज़ के साथ और भी काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई इनके साथ आ जा, इनके साथ आ जा मंदिर में। हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। जाओ जाओ भाई घर के अंदर जाओ, सेफ नहीं इधर। ये भी बेचारे डर के चले हुए। अब देख देख यहाँ से विलेजर देख रहा है हमें। किधर से? यहाँ से नजर रख रहा है। हाँ भाई पर। वही क्या सीन इसका, अश्लील है ये विलेजर। सोजा 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 सोजा, नहीं तो स्पॉन हो जाएंगे बहुत सारे। नेक्स्ट हमने सामान इकट्ठा किया और एक बार फिर से एक्सप्लोरेशन पर गए। भाई साहब यहाँ पे केव है पर नहीं, केव कुछ ज्यादा ही बड़ी। ये क्या था भाई? ये मकड़ी है ना, वो फेंक सकती है जाला। आयरन चेस्ट प्लेट और 4 आयरन इंगट। ओ आई थिंक मैं पहुंच गया हरियाली वाली जगह पे। और फिर हम दोनों गुम हो गए। मैं किसी और विलेज में था और स्पार्क किसी दूसरी विलेज में, तो हमने इस मौके का फायदा उठाकर उन विलेजेस को लूट लिया और रात भी हमने उन्हीं विलेजेस में काटी। नेक्स्ट हम थोड़ी वुड इकट्ठा कर रहे थे और वुड इकट्ठा करने के साथ ही हमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में एक नई चीज पता चली। ये ज़ॉम्बीज़ पिकैक्स के साथ ही एंडर पल्स का यूज भी कर सकते हैं। अब यार ओ माय गॉड, मेरे यार लग गए भाई। ज़ॉम्बीज़ है कि? हाँ ज़ॉम्बीज़ है और ऊपर से एंडर पल का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों ज्यादा देर तक अकेले रहते तो ये ज़ॉम्बी हमें बहुत ही बुरी तरीके से पेल सकते थे क्योंकि हम दोनों ही नूब हैं। तो हम नजदीकी घर के पास दोबारा मिल गए। अच्छा दिख गया मेरे को, तुम दिख गया दिख गया। पीछे आ जा, गिरा देते इनके ऊपर सैंडी। नहीं नहीं नहीं, आगे बाहर आ रहे, बाहर आ रहे। भाग 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 इधर से। ओ भाई आगे, बाहर आगे, बाहर आगे, बाहर आगे। मैं तो भाग रहा हूँ बहुत सारे। मैं भी भाग रहा हूँ। नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करते करते हमें एक और विलेज दिखी और साथ ही वहाँ पर एक रून शिप भी था जिसे लूट कर हमें आयरन और एमराल्ड मिले। और विलेज के पास जाते ही इस वर्ल्ड में पहली बार बारिश भी शुरू हुई। ओह बारिश हो रही है, बारिश नहीं तूफान ही आ गया आई थिंक। सो सकता है, नहीं बस ज़ॉम्बी ना हो जाए इसमें स्पॉन, बाकी तो नहीं कोई प्रॉब्लम। अच्छा आगे वो भी है, टेम्पल भी है आगे। उस विलेज के नजदीक ही हमें एक टेम्पल दिखाई दिया और उस टेम्पल से हमें सामान भी मिल सकता था तो मैं जल्दी से जाकर वहां से सामान लूटने लगा। आयरन है इसके अंदर, बोन्स भी चाहिए क्या? ओ डायमंड मिल गया, तीन तीन। फेदर फॉलिंग की बुक भी है, गोल्डन एप्पल भी है और सैडल भी है। क्या ये
ओ माय गॉड भाई। लेकिन सामान की जगह हमें एक बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी मिल गया जो कि काफी तेज माइंड कर रहा था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार भी थी जिसका मतलब था कि हम कहीं भी सेफ नहीं है। भाई मेरे ऊपर अभी ऐसे ज़ॉम्बी ने अटैक किया ना जिसके हाथ में एक तलवार थी बहुत बड़ी और ऊपर से वो गॉड स्पीड में माइन कर रहा था ब्लॉक्स। भाई क्या ही सही नहीं है चले हुए। हमें वो विलेज काफ़ी पसंद आई और वैसे तो वहाँ पर रहने के लिए काफ़ी सारे घर भी थे लेकिन हम अपने लिए घर थोड़ी हाइट पर बनाना चाहते थे ताकि हम ज़ॉम्बी से बच सके। तो हमने वुड इकट्ठा करना शुरू किया और साथ ही आयरन का आर्मर और टूल्स बनाए। डेट पर भी हमने वुड इकट्ठा की। फिर हमने आसपास के एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर किया और हमें एक रून पोर्टल मिला जिसके अंदर थोड़ा बहुत कीमती सामान भी था और वहाँ पर वैसे गोल्ड का एक ब्लॉक भी था लेकिन हमारे पास सिर्फ स्टोन की पिकैक्स थी तो हम उसे माइन नहीं कर पाए। बहुत सारे आ गए, अबे मेरे पीछे आ गए। अब भाई मर नहीं रहा है, ये क्या सीन है? अच्छा मर गए। नेक्स्ट डे हमने सबसे पहले एक चेस्ट बनाई और सारा फालतू सामान उसके अंदर डाल दिया। हमें डायमंड आर्मर की भी काफी जरूरत थी क्योंकि तलवार वाले ज़ॉम्बी हमें कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चारकोल बनाया और फिर उसे टॉर्चेस बनाई। पूरे दिन हम सिर्फ माइनिंग करते रहे। नेक्स्ट डे भी हम माइन ही कर रहे थे लेकिन तभी एक एक्सीडेंट हो गया। डिस्कनेक्ट कर दिया। यू हैव टू सेव मी माजी। I think it's No, you have to save me. Hello. आ गया? भाई बच गया। पानी हटा दे। बाकी के बचे हुए दिन भी हमने सिर्फ माइनिंग ही की। नेक्स्ट डे में माइनिंग करते हुए कुछ डायमंड्स मिले तो हमने उनसे एक पिकैक्स बना दी। ओह नो, शिट। ओशन में भी नहीं जा सकते क्योंकि ओशन में भी मॉब स्पॉन होंगे। ब्लॉक्स ले ले बहुत सारे। इधर आ जा, इस टावर के ऊपर आ जा। मैं तो ऊपर जा रहा हूँ हवा में। मैं भी जा रहा हूँ हवा में। माय फ्रेंड, हाँ, दे आर टू मैनी। हाँ दिख रहा है मुझे। जितना ऊपर को टावर बना सकते ना उतना ऊपर को बना दे क्योंकि ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। भाई मत है कि क्या है अभी, इनको हम सेंस नहीं हो पाएंगे ना इधर, तो तभी बोल रहा हूँ कि जितना ऊपर हो सके उतना जाना पड़ेगा हमको। बहुत बुरी तरीके से कर दिया उन्होंने विलेज पे अटैक। लगली हम ज़ॉम्बीज से तो बच गए लेकिन अफसोस हमारी विलेज और विलेजर्स नहीं बच पाए। इस ब्लड मून में बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हुए थे लेकिन नेक्स्ट ब्लड मून तक ज़ॉम्बीज के नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमें उनसे बचने के लिए काफी अच्छे आर्मर और टूल्स का जुगाड़ करना पड़ेगा। जय श्री राम। ओ भाई पानी के अंदर भी ज़ॉम्बी है। ओ भाई तैर के आ रहा है। रुक मैं अभी आ रहा हूँ तेरी तरफ। भाई साहब तैर के आ रहा है पर ऐसी स्पीड में ना। वैसे तो हमारा प्लान उस विलेज से भागने का था पर हमने उस एरिया को थोड़ा चेक किया और अब वहां पर बहुत ही कम ज़ॉम्बीज थे तो अभी के लिए जगह बिल्कुल सेफ थी। सेफ है आई थिंक। चले गए आई थिंक वो। इधर तो नहीं दिख रहा है कुछ भी नहीं। नाइस। और फिर हमने पूरा दिन दोबारा माइनिंग की। डे 13 पर हमने सिर्फ छोटे मोटे काम किए। ओ भाई क्या हुआ? माइन कर रहा है कोई ज़ॉम्बी? हाँ माइन करता है ज़ॉम्बी। शिट। माइन करता। भाई ये क्या है? आ गया मैं। कहाँ पे? ओ डायमंड इधर। आई मैंने किया था माइन। माइन क्यों नहीं किया पूरा? मेरे पास स्टोन के टूल्स है क्योंकि। आ रहा है? ओ आ रहा है। पीछे आ जा। एक नहीं मल्टीपल। भाग जा। अरे मेरी तो ब्रेड भी खत्म होगी। भाग। क्लिक करके भाग। ओ भाई कहाँ लगाऊँ। आज ऊपर को। बंद कर दिया मैंने। भाई साहब क्या जंप स्केयर था। बस हवा निकल गई। लगली हम एक बार फिर से ज़ॉम्बी से बच गए लेकिन जिस हिसाब से ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे हैं लग नहीं रहा कि हम ज्यादा देर तक जिंदा बच पाएंगे। डे 15 पर हमने डायमंड से स्वॉर्ड्स बनाई तो अब हम ज़ॉम्बीज का सामना काफी आराम से कर पाएंगे। वैसे आराम का तो पता नहीं लेकिन कुछ तो कर पाएंगे। उसके बाद हमने पूरा दिन सिर्फ माइनिंग की। काफी सारे दिन हमने इसी विलेज के अंदर बिता लिए थे तो हमने एक बार फिर से डिसाइड किया एक्सप्लोरेशन पर जाने का। सैडली हम पूरा आर्मर तो नहीं बना पाए पर माइनिंग करना भी सेफ नहीं था तो आर्मर का जुगाड़ हम बाद में कर लेंगे। एक्सप्लोर करते हुए हमें रास्ते में कैंप मिले जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा किया। ट्रेडर भाई हेलो।
ट्रेडर भाई कुछ नहीं बेच रहे, कचरा इनके पास। अरे लीड ले ले। रवीन के अंदर हमें बहुत सारा आयरन दिख रहा था, लेकिन नीचे जाना ज्यादा सेफ नहीं लग रहा था, तो हम नजदीक वाले घर के पास गए और पूरा दिन वहीं गुजारा। डे 3 पर हमें घूमते हुए एक रूम्स वाला एरिया मिला और वहां पर काफी सारे अजीब से ब्लॉक भी थे, जैसे एक हड्डी वाला ब्लॉक या फिर पहले शायद कोई तांत्रिक रहता होगा। साथ ही हम पर कुछ ज़ॉम्बीज ने हमला भी किया, लेकिन क्योंकि हमारे पास डायमंड की स्वॉर्ड थी तो हम उससे काफी इजीली बच गए। फिर हम एक चेस्ट से आयरन चेस्ट प्लेट और थोड़ा बहुत कीमती सामान मिला। गोठान है और उस सामने स्टोन से बना हुआ घर है। घर जैसा तो नहीं लग रहा, ये डंजन तो नहीं है? अच्छा नहीं, कुछ है तो नहीं, मकड़ी ना हो यहाँ पे, टूटा हुआ है ये। काफी देर तक हम उस घर को एक्सप्लोर करते रहे, लेकिन हमें कुछ खास सामान नहीं मिल पाया। ओ भाई आराम। बच गया। ज़ॉम्बी भी है नीचे, वो ज़ॉम्बी माइन कर रहे आई थिंक तेरी। नहीं अच्छा तू ही है। पूरे दिन घूमने के बाद हमें जंगल के बीच में एक घर मिला, तो हमने बाकी का बचा दिन वहीं पर काटा। नेक्स्ट डे भी हम डोरा दी एक्सप्लोरर की तरह घूमते रहे और हमें एक अबैंडन घर भी मिला, जहाँ से हमें आर्मर के थोड़े बहुत पार्ट मिले। फिर हम ओशन के पास पहुंचे और काफी देर हम ओशन से ट्रैवल करते रहे। डे 20 पर भी हम ओशन ही घूम रहे थे, लेकिन घूमते घूमते हम एक बहुत ही अजीब से विलेज दिखाई दी। वो आगे विलेज एक, तो हम विलेज में गए और उसे एक्सप्लोर किया। बड़ी अमीर से विलेज लग रही है। डैम, बेड भी तीन तीन एक ही जगह पे लगे हुए हैं। वो यहाँ पे अंडरग्राउंड पैसेज है नीचे के लिए। कहाँ से? हम उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन नीचे से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। नो 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 नो। हैप्पी 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 हैप्पी। ओ भाई इतना बड़ा केकड़ा। डैम। किधर किधर? यहाँ पे आ देख भाई साहब, इतना बड़ा केकड़ा। डैम। ओ किधर? शेल गिराया इसने, भाग गया। शेल गिरा इसका। कोकोनट स्लाइस? केकड़े ने कोकोनट स्लाइस पहन रखी थी। ये क्या यहाँ पे? देख देख यहाँ पे आ, पानी लगा इनके घरों के सामने साइड में। अच्छा अच्छा, ये नहीं देखा था मैंने। डैम, सुंदर लग रहा है। कैसे लगा है? काले जादू का यूज करके। चल आ जाओ। झाड़ियों में छुप के क्या कर रहे है? गुस्सा कर रहे। अब गलत काम कर रहे थे कुछ। ऊपर से काय को आ रही आवाज? कुछ तो है यहाँ पे। रिस्क से लग रहा है बहुत, कुछ ज्यादा ही नजदीक से नहीं आ रही अब। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, लग नहीं रहा मेरे को नीचे जाके। ओ क्या था ये? ओ ओ ओ शिट, मार 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 मार। ओ भाई कहाँ से निकला है? पता नहीं भाई, ये नीचे तो मेरे को लग नहीं रहा है कुछ हो पाएगा। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए। ओ फक, भैंस की आंख। क्या हुआ भाई? एकदम ही आया भागता हुआ। भाई दिख भी बड़ा डरावना सरा है। और साथ ही हमें वहां पर एक विलेजर भाई भी मिले, जो कि कुछ ज्यादा ही चिंता में लग रहे थे। शायद इस गांव की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। अच्छा एक काम हो सकता है। एक आइडिया आया मेरे को यार, अगर हम लीड का यूज करके आयरन गोलम को वहां पर नीचे ले जाए तो। या यस 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 यस, आ जा। पर आई थिंक ना स्पेस बनाना पड़ेगा नीचे ले जाने को। हाँ मैं करता हूँ कुछ। ओ भाई हाँ। ओ भाई तोड़ दिया था, जिस ब्लॉक के ऊपर खड़ा था ना मैं, वही तोड़ दिया था। बच गया साला। काफी देर के संघर्ष के बाद हमने आयरन गोलम को नीचे जाने के लिए एक रास्ता बनाया और उसे ज़ॉम्बीज के साथ नीचे फेंक दिया। चुप कर बादल। भेज दिया नीचे, आयरन गोलम को भेज दिया। अबे माइन कर रहे हैं ब्लॉक। पेल रहा है, पेल रहा है ये, पेल रहा है कि इसको पेल रही है नहीं आ रहा समझ में बस। आजा दूसरे को भी ले आएंगे, आजा। नहीं मेरी लीड नीचे गिर गई है। अरे अच्छा स्पॉनर इधर, स्पॉनर इधर। इसके साथ ही बारिश भी हुई और विलेज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस थे कि रात के टाइम ब्लड मून होगा और हम इस प्यारे विलेज को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो हमने काफी सारे डर्ट ब्लॉक कलेक्ट किए और सामने वाले आइलैंड में जाने लगे। और तभी ब्लड मून शुरू नहीं हुआ। द ब्लड मून राइज, ब्लू मून है ये तो। द ब्लू मून, सेफ है हम? पता नहीं, शायद सेफ ही होंगे। यू फील लकी। डैम बच गए। ब्लड मून की जगह ब्लू मून हुआ, जिससे पता नहीं क्या होता है, लेकिन एटलीस्ट ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हुए, तो राम रहीम जी की कृपा से हम फिर से जिंदा बच गए। है बेटू? नेक्स्ट उस विलेज को अलविदा कहकर हम दोबारा से एक्सप्लोरेशन पर गए और हमें स्नो बायोम के अंदर एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर मिला, लेकिन इस बार चेस्ट की जगह वहां पर सिर्फ स्केलेटन की खोपड़ी थी। डे 24 भी काफी शांति से जा रहा था, लेकिन ये शांति थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि रात के टाइम हमारे एल लग गए।
अबे भाई नहीं नहीं नहीं, बस पता क्या कर, इधर रोक रहा हूँ मैं। हाँ उतर, ऊपर को बिल्ड कर और भगवान के भरोसे बाकी। ओ भाई क्या है, क्या है इतनी दूर भाई, कैसे ये पॉसिबल, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? ये चीज पॉसिबल क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्या हुआ, पोशन फेंक रही विच इतनी ऊपर, कैसे। पूरी रात हम सिर्फ ऊपर बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार किया, क्योंकि अगर हम नीचे जाते तो दोबारा वापस नहीं आ पाते। नेक्स्ट डे की शुरुआत कुछ ज्यादा ही भयानक तरीके से हुई। ओ भाई बच गया, लेकिन ज्यादा दूर जाने की जगह हम उसी एरिया को एक्सप्लोर करते रहे। तभी हम एक बहुत ही अजीब सी चीज मिली, जो कि एरोप्लेन और बोट जैसी लग रही थी। पता नहीं वहां पर वो एरोप्लेन कौन महापुरुष छोड़ के गए थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे लिए एक्सप्लोर करना और भी ज्यादा इजी हो गया। अगले काफी सारे दिन हम उसी बोट में बैठकर ट्रैवल करते रहे। और तभी D31 पर हम एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज मिली, जो कि एक बहुत ही बड़े आइलैंड की तरह लग रही थी। नीचे ग्राउंड में था NPC, नहीं देख, ये आइलैंड भी बहुत अजीब सा नहीं लग रहा, एम्पलीफाइड की तरह लग रहा है तो बहुत ज्यादा। डैम, ओ ये क्या सामने है? हाँ जा, शहर लग रहा है तो बहुत ज्यादा। हाँ शहर लग रहा है बिल्कुल भाई साहब, इतना बड़ा प्लेन है, देख सामने की तरफ देख। रुक जा, उतारू इसको, उतरू यहाँ पे, व्हाट द हेक। हाँ उतार। उस जगह पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, जहाँ पर बहुत सारे एयरप्लेन और शेल्टर थे, और उनके अंदर ढेर सारा सामान भी रखा हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब अजीब से तरीके का था। पूरे दिन हम उस एरिया को छानते रहे। अलर्ट्स अदर्स ऑफ योर इमरजेंसी। भाई खरगोश है, मुझे लगा ज़ॉम्बी होगा। लेकिन एक्सप्लोर करते करते हम भूल गए थे कि इस वर्ल्ड में ज़ॉम्बी भी स्पॉन होते हैं। ओह शिट 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 शिट। ओ भाई कैसे हुआ सर, ओ भाई भैया। हाँ हेल्प, मैं तो ऊपर चला गया छत पे, छत पे तो गया था मैं, वापस आ गया नीचे। इधर आ इधर आ, प्लेन के पास आ, प्लेन के पास आ। अरे मेरी ब्रेड खत्म हो गई। भाग जा मैं, किधर है तू, किधर है तू, इधर हूँ मैं, प्लेन में हूँ मैं, प्लेन में हूँ। भाग 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 भाग, किधर किधर, जैसे प्लेन में आ सकता है तू, प्लेन में हूँ, प्लेन में, हवा में, हवा में, मैं कहाँ हूँ, तू दिख नहीं रहा मेरे को। अच्छा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ भैया। बैठ बैठी हो ना, बैठ 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 बैठ, चल 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 चल, उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे भाई साहब। मैं तो भूल गया था इनके बारे में भाई, एकदम ही आया और मेरी वो खत्म हो गई थी हंगर बार पूरी। लेकिन इस बार भी हम हर बार की तरह जिंदा बच गए। उसके बाद हम हेलीपैड के ऊपर उतरे और वहीं पर सो भी गए। नेक्स्ट डे भी हम उसी जगह पर घूमते रहे और हमें रूम से काफी सारा सामान भी मिला। पता नहीं सर कैमरा, अबे 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 भाई 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 भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, पता नहीं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन समथिंग कुछ वो था लिखा हुआ इसमें, फिर मैंने उस चेस्ट के ऊपर क्लिक किया और फिर एकदम स्पॉन हो गया कुछ जनरल डॉग करके। ज़ॉम्बी, और उसके पास ज़ॉम्बी है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही अजीब सा। आ रहा है, नहीं नहीं फंस गया यहाँ पे, वो मर गया मर गया मर गया। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। नजदीक ही हमें कमांड सेंटर रूम मिला, जिसके अंदर काफी अजीब चीजें थी और इन चीजों का पता नहीं क्या यूज था। साथ ही उस जगह पर कैमरा और मॉनिटर भी थे। फिर वहां से बाहर आकर हम थोड़ी और आगे गए और हम पहुंचे मिलिट्री बेस में। मिलिट्री बेस में बहुत ही सारे रूम थे और एक रूम में काफी सारी चेस्ट रखी हुई थी, जिसके अंदर आर्मी की ड्रेस और सामान था। सीक्रेट पैसेज है यहाँ पे। ओ शिट शिट शिट, ज़ॉम्बी यहाँ पे, ज़ॉम्बी है। अबे भैंस की आंख, एकदम आ रही इसकी आवाज, आ जा भाई। नेक्स्ट डे हमें एक अंडरग्राउंड रास्ता मिला, जिसके अंदर जाकर हम एक सुअर में पहुंच गए। काफी देर तक हम उसी जगह के अंदर घूमते रहे और फिर हमें एक लैडर दिखाई दिया और उस लैडर पर चढ़ने के बाद डैम, बहुत ही बड़ा शहर है ये तो। उस शहर के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, साथ ही वहां पर बेकरी शॉप, बार्बर शॉप, हॉस्पिटल और ऐसी ही काफी सारी बिल्डिंग्स थी। वहां पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। पूरा दिन हम उसी जगह को एक्सप्लोर करते रहे और फिर हम पहुंचे एक बहुत ही बड़े घर के पास। लेकिन शायद वो घर सेफ नहीं था, क्योंकि उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें एक वार्निंग लिखी हुई थी।
क्या है यहाँ पे? Never again. All the money in the world couldn't get me back in that house. कुछ तो गड़बड़ है। ओह, ओबे। भाई क्या था ये? क्या? What the heck? भूत प्रेत कुछ? Trap तो नहीं I think यहाँ पे अंदर? अच्छा ये pressure plate है यहाँ पे, pressure plate है यहाँ पे। Watch out for Chester's. Chester's क्या चीज़ है? ओह, chest. चलने वाली chest है। किधर? वो देख देख वो देख साइड में। कहाँ से आया बच्चे तू? थोड़ी देर में ही अंधेरा भी होने वाला था तो हम बारिश हो गए। वैसे उस घर के अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने रिस्क लेने का सोचा और उस भूतिया घर के अंदर गए। एक ही उस पे घूम रहा है। ओबे भाई, अबे भाई, नहीं नहीं नहीं, ये घर नहीं ठीक। ट्रैप्स क्या था ऊपर? पता नहीं भाई, तीर वीर क्या क्या आ रहा है। अरे यहाँ पे आ तू, यहाँ पे आ, इसको चेस्ट को मारते हैं। फिर हम उस घर के बैकयार्ड में गए और वहां पर हमें ज़ॉम्बीज के कटे हुए सिर मिले। क्या पता यहाँ पर कोई शिकारी रहता हो। और तभी हमें फिर से वो भूतिया चेस्ट मिली। वो भूतिया चेस्ट हवा में उड़ रही थी तो हमने उस चेस्ट के नीचे की जमीन खोदी और हमें पता चला कि वो चेस्ट भूतिया नहीं थी, वो सिर्फ एक कार्ड से कनेक्टेड थी। तो हमने उस कार्ड को तोड़ दिया, लेकिन तभी वो चेस्ट गुम हो गई। तो शायद वो चेस्ट भूतिया ही थी। फिर हमने उस बचे हुए घर को एक्सप्लोर किया, लेकिन हमें कुछ भी खास नहीं मिला। ओ यहाँ पे आ, देख यहाँ पे आ, हिडन पैसेज है, यहाँ पे भी आ जा। क्या है? आर्काइव सेंट्रल लैब इंजीनियर्स। लाशें लाशें यहाँ पे पड़ी हुई। टोटम कॉन्सेप्ट, टोटम एक्सट्रैक्शन, टोटम कॉन्सेप्ट 1। वो अंधेरा हो गया बाहर, अंधेरा हो गया। और अगले दिन हमें एक ऐसी चीज पता चली जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, और वो चीज थी डिसेबल ट्विंस को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। Day 36 पर भी हम आसपास के एरिया को देख रहे थे और हमें एक बिल्लू भी मिला, लेकिन हम उसे टेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी मछली नहीं थी। फिर हम एक बिल्डिंग में पहुंचे जहाँ पर जादुई तरीके से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए। तो हमने धीरे धीरे उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया। सारी बिल्डिंग टूटी हुई थी और बिल्कुल पुरानी लग रही थी, तो हमें वहां से इस्तेमाल लायक कुछ भी नहीं मिल पाया। अरे भैया हेल्प, शील्ड करना, आप शील्ड कर अब। ओ भाई कितने, ओ नहीं 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 नहीं, बहुत सारे। ओबे नहीं, बाहर से भी आ गया। पर जैसे तैसे हमने ये दिन भी सर्वाइव कर दिया। अगली सुबह हमें एक बहुत ही बड़ी मशीन दिखाई दी, तो उसे हमने अंदर जाकर एक्टिवेट किया, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ आवाज आ रही थी। मशीन के साथ एक बहुत बड़ा ब्रिज था और ब्रिज के आगे वार्निंग भी लिखी हुई थी, जिसका मतलब था कि ब्रिज के आगे वाला एरिया ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि सामने पहले बहुत सारी टूटी हुई बिल्डिंग थी और इसके साथ ही वहां पर रेडिएशन की वार्निंग भी थी। नजदीकी हमें एक शिप दिखाई दी जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। एरोस की मशीन है यहाँ पे, हो रहा कुछ? हाँ एरोस चल रहा है, देख। शीश, इधर है गॉगल्स भी दिए हुए, गैस मास्क है इधर। अरे भाई साहब गोल्ड है यहाँ पे बहुत ही सारा। और ये शिप टाइटैनिक से भी ज्यादा आलीशान थी क्योंकि इसके अंदर हर एक फैसिलिटी थी, हर एक फैसिलिटी। बाथरूम भी है इधर। तो पूरे दिन हम वहीं पर घूमते रहे। नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया सामने वाले शहर की तरफ जाने का। ओह शिट 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 शिट, डैमेज हो रहा है। भाई साहब ये क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है। ओ भाई, मेरी हेल्थ गया 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 गया। नहीं नहीं नहीं, पॉइजन है, नहीं मरेगा। ये क्यों हो रहा है? अरे वहाँ पे लिखा था आई थिंक वो गैस मास्क। अच्छा ये पूरा एरिया उससे होगा पॉइजन, रेडिएशन अहेड, वो लिखा था वहाँ पे। गैस मास्क तो है मेरे पास, मेरे पास भी है, यहीं से मिला था। पहन ले फिर, पहन ले। लेट्स गो। हाँ हाँ हो गया, बच गए। डैम इधर स्नोफॉल हो रही है। इस जगह की हालत तो बहुत ही खराब है। स्नोफॉल नहीं, राख है आई थिंक ये। अरे भाई जल चुकी है पूरी जगह ही। भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा ये भी है खड्डा सा। किधर? राइट पे। अबे भाई साहब खाइए पूरी। चलना उधर, उतार दे पहले, फिर देखते हैं वहाँ पे है क्या। एक बार चल के देखते हैं। चल। उस शहर में जाकर हमें एक बहुत ही बड़ा खड्डा दिखाई दिया जिसके बीच में पानी भरा हुआ था और वहां से धुआं भी निकल रहा था। जी यहाँ पे हुआ जो ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से रेडिएशन हो रही है। इस पानी के अंदर जाएंगे हम तो मारे जाएंगे क्या? पता नहीं, चेक करें। लेट्स गो, नाम बनता है रिस्क से। और नीचे की तरफ जाकर हमें एक टनल मिली और वो था एक रेलवे स्टेशन जहाँ पर एक ट्रेन भी थी, लेकिन अब ये शायद चलती नहीं है। फिर हम हिम्मत करके पानी के अंदर गए, लेकिन लकीली उस पानी को टच करके कुछ भी नहीं हुआ। पानी में जाके तो नहीं हो रहा कुछ? नहीं, पानी में जाके नहीं हो रहा। और साथ ही हमें एक चेस्ट भी मिली जिसके अंदर पैसा ही पैसा था, लेकिन सैडली उसका कोई यूज नहीं है।
और फिर बची हुई रात हमने रेलवे स्टेशन में गुजारी। रेलवे स्टेशन में हमें कुछ बटन मिले जिनमें लोकेशन का नाम लिखा हुआ था, तो शायद उन्हें प्रेस करके हमें एक जगह से दूसरी जगह पर फास्ट ट्रैवल कर सकते थे। तो हमने उन बटन्स को प्रेस किया और कुछ भी नहीं हुआ, जिसका शायद ये मतलब था कि वो मशीन खराब हो चुकी है। फिर हमने उस शहर को एक्सप्लोर किया। शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वहां पर चलने लायक जगह भी नहीं थी। पूरा दिन हम शहर के अंदर घूमते रहे लेकिन टूटी हुई बिल्डिंग्स के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। डे 40 पर भी हमने पूरा दिन सिर्फ उन बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर किया। ओ भाई गया था आराम से। लग नहीं रहा था कि उस शहर के अंदर कुछ था भी, तो हमने उस जगह से जाने का फैसला किया। काफी देर ट्रैवल करने के बाद हम शहर से बाहर आ गए और तभी हमें सामने की तरफ एक काफी बड़ा शिपिंग डॉक मिला जिसके ऊपर ओलंपस लिखा था और यही नाम उस रेलवे स्टेशन पर भी था। साथ ही उस शिपिंग डॉक के सामने काफी बड़ा लाइट हाउस भी था, तो शिपिंग डॉक से पहले हम उस लाइट हाउस के अंदर गए। पहुंच गया मैं टॉप पर। ओके, क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, हाईवे दिख रहा है मेरे को इधर। लाइट हाउस में हमें कुछ खास सामान नहीं मिल पाया, तो लाइट हाउस छोड़कर हम शिपिंग डॉक पर चले गए। इधर देख तो, स्पीड तेज हो गई ना? नहीं, तेरी है तेज, मेरी नहीं है। भाई फ्लैश की शक्ति कैसे आ गई? I'm fast as fuck, boy. मुझे भी चाहिए फ्लैश की शक्ति। पता नहीं, मैं जूते तो... पे तो लगा है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन है। उस शिप के ऊपर बहुत ही सारे कंटेनर्स थे और सभी कंटेनर्स में अलग अलग सामान था। किसी कंटेनर में सिर्फ सैपलिंग थी, किसी में रेडस्टोन और किसी में बहुत ही सारे फेंसेस। और कंटेनर्स देखते ही हमारा पूरा दिन बीत गया और रात के टाइम एक बार फिर से ब्लू मून हुआ और रात काटने के लिए हम साथ वाले शहर में चले गए। नेक्स्ट डे हम हाईवे पर घूम रहे थे और तभी हमें एक बहुत ही अजीब चीज मिली। ये क्या है? कार ही है। ए, अबे कार ही है, व्हाट द हेक। कार नहीं है, तो ऑटो की तरह ये तो कुछ मिनी कार। इसमें एक ही बंदा आ सकता है? ऑन कैसे होगा? बैठ तो तुम। बैठो कैसे, जगह ही नहीं इसमें। ओ भाई साहब, है कि क्या है? अरे भैया मैं क्या करूं? बाय बाय भैया, मुझे भी ले जाओ। तो उससे मेरा क्या फायदा? पर उस कार में सिर्फ एक ही आदमी आ सकता था, तो उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। भाई साहब ये क्या लावा है, दिख, व्हाट द हेक, ये क्या है ऊपर? पर नजदीकी हमें एक पहाड़ मिला जहाँ से बहुत ही सारा लावा निकल रहा था और उसके साथ ही वहाँ पर कुछ घर भी दिखाई दे रहे थे। तो हम उस पहाड़ पर गए। वो जगह बिल्कुल टूटी हुई थी और वहाँ पर ढेर सारे घर थे। शायद ये पहले कोई शहर हुआ करता था। और नजदीकी हमें एक मेंशन मिला जो था रूबी राइडर नाम के एक आदमी का, जहाँ पर उसकी किताब भी थी। शायद वो कोई पागल मिलियनेयर था और पागल साइंटिस्ट भी, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत ही सतरंगी सी बातें लिखी हुई है। बचे हुए दिन हमने वहीं पर गुजारा। अगले दिन हम पहाड़ से नीचे आए और एक बार फिर से हाईवे एक्सप्लोर करने लगे। और हाईवे एक्सप्लोर करते करते हमारी किस्मत एक बार फिर से चमक गई। ओह इधर भी एक और गाड़ी। बैठ ए, बैठ इसके ओ बैठ इसके अंदर, तो मैं भी बैठ सकता हूँ। हाँ लेट्स फकिंग गो बेबी, लेट्स गो, लेट्स गो। चला चला चला। तो गाड़ी का इस्तेमाल करके हम अगले काफी दिनों तक सिर्फ ट्रैवल करते रहे। डैम, ए क्या हुआ ये? क्या इधर चल नहीं रही इधर? आई थिंक पावर खत्म हो गई इसके। भगा भगा भगा। कहाँ पे? भगा भगा भगा, सामने को भगा, सामने को भगा। लकीली हमारी गाड़ी वहां से निकल गई और फिर हम जल्दी से सो भी गए। लेकिन नेक्स्ट डे हमारी गाड़ी ने दम तोड़ दिया, ये चल नहीं रही फटफटी। अब चली। अरे भाई, साथ ही हमें एक टनल दिखी लेकिन टनल के अंदर जाने का आइडिया काफी ज्यादा खराब था। आई हर्ड रूमर्स ऑफ अ ट्रेन क्रैश डाउन द लाइन, गोना गो सी इफ इट इज ट्रू एंड इफ देयर आर एनी सप्लाइज देयर। ओए ओए ओए, भाग 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 भाग। भाई ये कहां से आ गए? ज़ॉम्बी से फाइट के बाद हम टनल की दूसरी तरफ गए और वहां पर हमें एक ट्रेन का हिस्सा मिला। यहाँ पे आ, देख ट्रेन ही है, टूटी हुई ट्रेन का डिब्बा है। It's getting hot, I should find a way to cool off. I think हमको temperature का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अबे क्या है ये? वो ट्रेन भी काफी टाइम से वहीं पर खड़ी हुई थी और शायद वो खराब भी थी, लेकिन उसे एक्सप्लोर करते करते हमें एक बहुत ही कीमती चीज मिली। ओ गन। कहाँ पे? स्कार एच। स्कार एच भाई एमओबी है, एमओबी इसका। मुझे मिली चलती भी और AR-15 क्लासिक। अब हमारे पास फाइनली गन्स भी थी
तो हम स्टेशन के पास वापिस आ गए और फिर हमने गन की टेस्टिंग की। एक बुलेट में मर गया है? तो एटलीस्ट अब ज़ॉम्बी से बचना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओ भाई मुझे मत मार। तेरे बजे? हाफ आठ बजा मेरे पास। फिर हम सामने वाली ट्रेन के ऊपर गए जहाँ पर बहुत सारी चेस थी पर कोई भी काम का सामान नहीं था। काफी देर तक हम रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करते रहे। डे 51 पर हम एरिया देख रहे थे और हमें पता चला कि ज़ॉम्बीज़ की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका मतलब है कि अब हर दिन ज़ॉम्बीज़ की पावर और स्पीड बढ़ती रहेगी और हमारा जिंदा बचना और भी ज्यादा मुश्किल होता रहेगा। नेक्स्ट हमें घूमते हुए एक बहुत ही बड़ी सी विंडमिल दिखी जो कि शायद एक फार्म था क्योंकि वहां पर काफी बड़े खेत भी थे। तो हम उस फार्म के अंदर गए। अंदर काफी सारे सामान के साथ घोड़ों का तबेला भी था तो हमने घोड़ों को टेम करके उनकी टेस्टिंग की। फिर हम विंडमिल के अंदर गए और काफी देर तक उसके अंदर सर्च किया। विंडमिल के अंदर हमें काफी सारी चीजें मिली लेकिन उनमें से काम का कुछ भी नहीं लग रहा था और इसी काम में रात भी हो गई। नेक्स्ट हमें साथ वाले खेत के अंदर बहुत ही बड़ी सी मशीन दिखी और हमें पता चला कि वो एक ट्रैक्टर था। तो हमने उसे ऑन किया लेकिन इस वर्ल्ड की हर एक चीज की तरह उसने भी सिर्फ आवाज ही की। और बचे हुए दिन हम उसी एरिया के आसपास घूमते रहे। डे 54 पर हम फार्म से बाहर आए और थोड़ी आगे हम एक पेट्रोल पंप दिखा और उस पेट्रोल पंप के नजदीक जाते ही हमारे ऊपर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था जो कि पिछले सभी ज़ॉम्बी से बहुत ही ज्यादा तेज था। पेट्रोल पंप के साथ बहुत ही बड़ी टनल भी थी तो हमने उस टनल के दूसरी तरफ जाने का फैसला किया लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा प्रैंक हो गया। ओ भाई क्या था ये? क्या था? ट्रैप था इधर। टनल कोलैप्स। तू किधर है? मैं पीछे ही हूँ थोड़ा सा। टनल से पीछे? हाँ टनल मेरे सामने हुई ब्लास्ट पूरी। अबे ब्लॉक हो गया ये तो। पर कैसे आएगा तू इस साइड फिर? मेरे पास तो टॉर्च भी नहीं है। अरे भाई ऊपर से आया। हाँ ऊपर से आइयो। अब प्रॉब्लम ये थी कि हम दोनों अलग अलग जगह पर फंस चुके थे तो हमें जल्दी से मिलने का जुगाड़ करना था ताकि हम ज़ॉम्बी से बचकर सर्वाइव कर सके। यहाँ पे बैल बज रही है। कहाँ पे? अरे अलर्ट इसी का तो नहीं आया। तब इस पार्क को एक चेस्ट मिली जिसके अंदर एक नोट था और उस नोट में लिखा था कि डेजर्ट में ज्यादा देर रहने पर हम मर भी सकते हैं तो टेम्परेचर घटाने के लिए हमें पानी का यूज करना पड़ेगा या फिर किसी परछाई वाली जगह पर छुपना पड़ेगा। साथ ही उस चेस्ट में थर्मामीटर भी थे जिससे कि हमें टेम्परेचर का पता लग सकता था। और इस बार फिर से ब्लड मून की जगह ब्लू मून हुआ। पता नहीं हमारे ऊपर कौन से भगवान का आशीर्वाद है। और नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पता नहीं आर्मी कैंप टाइप एरिया लग रहा है मेरे को। ओ भाई, इतने सारे ज़ॉम्बीज। कहाँ पे? भाई कैसे बचूं मैं इनसे? मैं तो पहाड़ चढ़ रहा हूँ भाई। ज़ॉम्बी सोल्जर्स। नाइस। अब यार पिलेजर भी आ गए। लो आगे तो नहीं जा सकता मैं, आगे तो ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज है। ओके, दिख रहा है मुझे नीचे डेजर्ट तो दिख रहा है। हाँ अभी जाइयो नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ऊपर आने की। आ रहा हूँ मैं पानी के साथ आ रहा हूँ नीचे। एरिया 51 में तो नहीं पहुँच गया मैं। अब यार और इतने सारे ज़ॉम्बीज और पिलेजर्स के बीच में जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो सबसे पहले हमने मिलने का प्लान बनाया तो मैंने टनल की दूसरी तरफ माइन करना शुरू किया। One eternity later. वो दिख गया मुझे तो। देख पीछे देख पहाड़ के ऊपर देख थोड़ा लेफ्ट पे। ओ हाँ दिख गया। नेक्स्ट डे हम साथ में मिलकर डेजर्ट वाली साइड पर गए और वो जगह एक पिलेजर का कैंप था पर क्योंकि हमारे पास गन्स थी तो हमने उन्हें इजीली मार दिया और साथ ही पूरा दिन इसी काम में निकल गया। डे 57 पर हम वहाँ से बाहर आए और आसपास के घरों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स थी। बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बद्दा है कि क्या ये? देख इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ओ भाई पूरे दिन हम सिर्फ एक्सप्लोर करते रहे। नेक्स्ट डे हम गर्मी से बचने के लिए थोड़ी सी देर वैन के अंदर गए। नहीं, ज़ॉम्बी यहाँ पे ज़ॉम्बी है। ओ भाई, अबे भाई माइन करके आ रहे थे तो। What the heck? ओ भाई, मुझे लगी गोली। और ये ज़ॉम्बीज़ पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली थे तो बचे हुए दिन हमने एक वैन के अंदर गुजारा। हमारे पास बिल्कुल भी खाना नहीं बचा था तो खाने के लिए हम बिल्डिंग को सर्च करने लगे और तभी थोड़ी दूर हमें एक अलग सी बिल्डिंग दिखी जिसके चारों तरफ फेंस की प्रोटेक्शन थी। तो हम जल्दी से फेंस क्रॉस करके उस जगह के अंदर गए। अंदर हर जगह पर ज़ॉम्बीज़ के सर गिरे थे और वहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन हो रहे थे। पूरा दिन हमने उसी बिल्डिंग की छानबीन की लेकिन हमें ज़ॉम्बीज़ के अलावा कुछ भी खास नहीं मिला। ओ भाई मुझे मत मार। सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन।
और अंदर सोना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, तो हम छत पर जाकर सो गए। डे 61 पर हम उस बिल्डिंग से बाहर आ गए और आसपास खाने के लिए सर्च करने लगे, लेकिन हमें अभी भी खाना नहीं मिला और हम कुछ बेरीज और जोम्बिस के टुकड़ों पर ही सर्वाइव कर रहे थे। साथ ही जोम्बिस के नंबर भी काफी बढ़ रहे थे, तो हम उस सिटी को ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे थे। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही जोम्बिस हमें पहनने के लिए आ गए, और वो भी हजारों के नंबर में। मेन प्रॉब्लम ये थी कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमने पूरा आर्मर निकाल दिया था, तो जोम्बिस के टच से भी हम मर सकते थे। लेकिन तभी हमें एक काफी बड़ा सा चर्च मिला, जहाँ पर हमारे साथ एक खरगोश भी प्रार्थना करने के लिए आया था। चर्च के अंदर हम भगवान से जोम्बी से बचने के लिए प्रार्थना करने आए थे, लेकिन वहाँ पर हमें ज्यादा अच्छा संदेश नहीं मिला और अब इस सिटी के अंदर कुछ भी नहीं बचा था। तो हमने फैसला किया इस डेजर्ट एरिया से बाहर निकलने का। तो काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद हम जोम्बी से बचकर एक हाईवे के पास पहुंचे। क्या बेटी, यहाँ बिल्डिंग्स के अंदर इतने सारे जोम्बीज है। ओ देख ट्रक, ओ भाई इतना अजीब सा जोम्बी गाड़ी। हाँ ट्रक 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 चलता है। अरे भाई और लेट्स गो चला 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 चला। बहुत सारे ज़ॉम्बीज हो रहे यहाँ पे स्पॉन। चलता है चलता है चलता है चलता है। भगा दे nice. बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ बिल्डिंग के पास, भगा दे। ओ भाई चलो। काफी दिनों तक हम ट्रक ड्राइवर बनकर ट्रैवल करते रहे और हम उस डेजर्ट वाले एरिया से काफी दूर पहुंच गए, लेकिन क्योंकि हमारे साथ ज्यादा अच्छी चीज हो गई तो बुरी चीज का होना जरूरी था, तो हमारा ट्रक जमीन में फंस गया। अबे ज़ॉम्बी आ गया पीछे से भाई, बहुत तेज है तो। लेकिन थोड़ी नजदीक ही हमें एक फार्म दिखाई दिया और वहां पर खेत के अंदर बहुत ही सारी हे बेल रखी हुई थी, तो इतने दिन भूखे रहने के बाद फाइनली हमारे खाने का परमानेंट जुगाड़ हो गया। नेक्स्ट डे हम उसी फार्म में घूमते रहे। घोड़ों का तबेला है यहाँ। इधर है, अरे डॉगी है, डॉगी सोका, कितना क्यूट डॉगी है सोका। इसका घर आसेडू। लेकिन हम पर एक बार फिर से एक चमत्कारी विच ने हमला कर दिया, जो कि बहुत ही चालाक थी। ओ भाई इतनी तेज विच। ओ यस यस यस। और इतनी ज्यादा रेंज, स्पीड बहुत सी इसके पास। उसने खुद पर इनविजिबिलिटी पोशन फेंक दिया और फिर वो हम पर दूर से अटैक कर रही थी, बट जैसे तैसे हमने उसे मार ही दिया। भाई मर ही नहीं रहा, ये क्या सीन है, क्या नेट है मेरा। काफी देर तक घूमते हम फिर से पुराने वाले मिलिट्री कैंप के पास पहुंच गए। पिछली बार हम इसे अच्छे से लूट नहीं कर पाए थे, तो नेक्स्ट डे हमने उसे ढंग से एक्सप्लोर किया और हमें काफी कीमती चीजें मिली। डायमंड स्वॉर्ड है मेरे पास। ओ एमओ मिला मेरे को। कहां पे एडवांस एमओ की सख्त जरूरत है मुझे। और गन भी है इधर, AK-15। हाँ गन चाहिए मुझे, गन चाहिए। मेरे पास बहुत बेकार गन है। पूरे दिन हम उसी जगह पर घूमते रहे और वो जगह काफी सेफ भी थी, क्योंकि वहां पर चारों तरफ वॉल्स ही वॉल्स थी। इतने सारे कहां से आ रहे हैं? ओबे ओए 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 खींच लिया इसने मेरे को। और वो जगह काफी सेफ भी थी। आगे स्वाद। डे 70 पर भी हम मिलिट्री बेस में ही रहे और इसके साथ ही हम सीवर्स के अंदर भी गए, जहां पर हमें काफी सारी बुलेट्स और गन्स मिली। कम में काफी, आवाज तो आ ही नहीं रही यहां से। ओ एमओ इसमें है, गोल्डन हॉक ODS। कहां से आए? अभी तो थे नहीं है। यस वही तो मैं बोल रहा हूं। एडवांस बुलेट ले ली मैंने। गन लेकर हम फिर से ऊपर आए और फिर हमने उन्हें टेस्ट किया। डे 71 चल पड़ा था और हम काफी दिनों से सिर्फ मिलिट्री बेस के अंदर थे, तो थोड़ी आगे जाकर हमें पहाड़ के ऊपर काफी सारे घर दिखाई दिए और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई थी, तो हम गए उस पहाड़ की तरफ। रास्ते में छोटी मोटी दुकानें भी मिली और थोड़ी ऊपर जाकर हमें रूबी राइडर की TNT दिखे। रूबी राइडर वही पागल साइंटिस्ट है जिसका घर हमें लावा वाले एरिया में दिखा था। फिर हमने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बी आना शुरू हो गए। ओ भाई नीचे से नीचे देख। भाई मेरे को रॉड से खींच रहे। गोली चला। ओ भाई बहुत सारे आ गए। भैया यार आ किधर से रहे ये? ऊपर तो देख, ऊपर देख। 2 seconds later. अबे, ओ भाई, जिंदा बच जाइयो। भाई, घर के पास है ना तू? हाँ नीचे हूँ। आ रहा हूँ मैं। भाई हाफ हार्ट पे बचा मैं। ये पहाड़ के ऊपर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। जैसे तैसे हम उनसे बाल बाल बचे, लेकिन ऊपर बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे। पर फिर भी हमने पहाड़ के टॉप पर जाने का प्लान ड्रॉप नहीं किया और वहां जाकर हमारे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। भैया अबे भैया बहुत सारे यहाँ पे, भाग जा यहाँ से।
नीचे आजा। किधर से? साइड से, पीछे से, आगे से, जहां से तुमको रास्ता मिल रहा है वहां से भाग। भाई। मैं तो हूं ऊपर। नहीं, तू बता, तू बता। भाई साहब निकल तो गया, मेरा भी होने वाला है। ओ तेरी, तू कहां पे? सीढ़ियों के पास। अरे भाई यहाँ पे हजारों हो जाएंगे स्पॉन अगर मैं सोऊंगा नहीं। भैया थोड़ा होल्ड कर लो ना, मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओ। किधर है तुम? समवेयर तो नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं ऐसे। ये क्या सामने मेला लगा हुआ है मेरे सामने? अबे यार मेला तो बहुत दूसरी साइड है। आजा मेले की साइड पे आजा। पहुंच गया मैं मेले के अंदर, सो जाओ। तेरे चक्कर में मेरा हो जाएगा। अबे यार बहुत सारे हो रहे इधर। अबे भाई प्लीज सो जाओ भैया प्लीज। अरे इच्छा तो मेरी भी सोने की है पर कैसे सोऊं? याती जा रहे हो। सो जा। हाँ सो गया। डे 72 पर हम दोबारा मिली गए और फिर हम काफी देर तक उस मेले में घूमते रहे और तभी हमें काफी बड़ी सी हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखी। टॉर्चेस है तेरे पास? बचने के लिए चार है मेरे पास। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अरे भाई ज़ॉम्बीज का हॉस्पिटल है, भागना पड़ेगा इधर से। भाई कहाँ से आ रहे इतने सारे? ये ना पूरी हॉस्पिटल की जो भी बिल्डिंग है ना, हाँ इसके अंदर आई थिंक ज़ॉम्बीज होंगे। जैसे तैसे हम हॉस्पिटल के ज़ॉम्बी से बच गए और उस हॉस्पिटल के दूसरी तरफ आ गए जहाँ पर छोटे मोटे घर थे और बचा हुआ दिन हमने वहीं पर गुजारा। डे 73 पर हमें जंगल के बीच एक रास्ता मिला जहाँ से बहुत ही सारा लावा गिर रहा था। उस रास्ते पर चढ़कर हम एक पहाड़ पर पहुंच गए और ये वही पहाड़ था जहाँ पर हम पहले भी आए थे। अच्छा आए हम यहाँ पे पहले, वही है मिलियनेयर वाला मेंशन। लेकिन अब वो एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था क्योंकि वहां पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो रहे थे। कुछ सप्लाईज भी है वैसे इधर, चेस्ट वेस्ट भी है। चेस्ट वेस्ट नहीं, अरे परे देख साइड में देख, अरे मैंने दूसरी गन ड्रॉप कर दी कहीं पे। भाई व्हाट द हेक, मैंने दूसरी गन ड्रॉप कर दी कहीं पे। ओबे भाग। ये तो भाई फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करके नीचे फेंक देंगे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। हम पहाड़ से उतरकर एक बीच पर पहुंच गए और बीच पर हमें एक बड़ी सी पायरेट शिप दिखी तो हम उस शिप के अंदर गए। अबे नीचे गिर गया मैं भाई। ओ भाई आई एम अबाउट टू डाई आई थिंक, हेल्प मी प्लीज। किधर से आऊं? पानी फेंकियो। फेंका। किधर? नीचे नहीं आया पानी? अबे भाई नीचे नहीं आया पानी। देख फेंका, अब आया भाई। आ गया। इस शिप के ऊपर बहुत सारे, शिप के आसपास भी बहुत। भाई भैया हाँ क्या करूँ? What the heck, क्या है ये? सो सकता है नहीं सो सकता। अबे भाई हो गया, क्या है ये भाई इतने सारे? मेरी गोलियां खत्म। शिप के नीचे क्यों नहीं है तुम? पानी के अंदर लग नहीं रहा मेरे को। ओशन के अंदर आना, पानी के अंदर। ये जो सामने पेड़ है यहाँ पे आ। अरे मैं ना बहुत गंदी जगह पे फंस गया हूँ। अरे देख पीछे तो हूँ मैं। देख मैं ना इधर ही कर रहा हूँ अपना बसेरा। सो जा। हाँ एक मिनट बस। सो ही गया। सो नहीं सकता मैं, मेरे सो ही नहीं जा रहा, क्या सीन है? अबे ब्लड मून है। ब्लड मून की वजह से करोड़ों ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे लेकिन इस बार भी जैसे तैसे हम दोनों जिंदा थे तो पूरी रात हमें छिपकर रहना पड़ा। नेक्स्ट डे हमें ओशन के बीच एक बहुत ही बड़ी सी शिप दिखी। उस शिप के अंदर बहुत ही सारी लाइट्स लगी हुई थी और वहां पर बहुत ही सारे एरोप्लेन थे। सारे प्लेन्स हैं यहाँ पे इतने सारे, ये पर चलता एक भी नहीं इनमें से। ओ गन मिली मुझे, फिर से गन मिली। हैवी राइफल और राइफल। भाई साहब 18 इसका डैमेज, व्हाट द हेक। एडवांस बुलेट एमो, एमो तो मिल गया मेरे को। बहुत स्लो चलती पर ये तो बड़ी बेकार सी गन है। डे 75 पर हम उस शिप से बाहर आ गए और काफी देर तक ट्रैवल करते रहे। ट्रैवल करते हुए हमें एक छोटा सा टाउन दिखा तो हमने वहीं रहने का सोचा और पूरा दिन वहीं पर बर्बाद और पूरा दिन वहीं पर काट दिया। डे 76 पर हमें काफी बड़ा सा आइलैंड दिखा तो हम उस आइलैंड की तरफ जाने लगे लेकिन उस पुराने शहर की तरह ही उस आइलैंड पर भी रेडिएशन थी और वहां जाने के लिए भी हमें गैस मास्क चाहिए था। गैस मास्क है नहीं। गैस मास्क मेरे पास है। कहाँ रखा तूने गैस मास्क? पता नहीं, आई थिंक फेंक दिया था। अरे तेरे को जाना पड़ेगा उस साइड आई थिंक। लेकिन बेवकूफ स्पार्क ने अपना गैस मास्क कहीं पर फेंक दिया तो आइलैंड के पास जाते ही उसे डैमेज हो रहा था। काफी देर तक हम गैस मास्क ढूंढते रहे। ओ तेरी भैंस की आंख। ओ भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे।
और स्पार्क को शिपिंग डॉक से गैस मास्क हेलमेट मिला। फिर स्पार्क शिपिंग डॉक से आइलैंड की तरफ आने लगा। आ गया मैं आइलैंड पे। अबे भी नहीं चल रहा है गैस मास्क। क्यों? पता नहीं, मेरा तो सही चल रहा है। तेरे पास क्या गैस मास्क है कि गैस मास्क हेलमेट है? गैस मास्क है मेरे पास। अच्छा, गैस मास्क हेलमेट नहीं चलता आई थिंक। अरे भैया क्या ले आए। डे 77 पर हम उसी पुराने शिप पर गए जहाँ से हमें गैस मास्क मिला था। पूरे दिन हमने उस शिप को सर्च किया लेकिन हमें गैस मास्क मिला ही नहीं। नेक्स्ट डे भी हमने आसपास के एरिया को सर्च किया, हमें एक बोट भी मिली लेकिन उसके अंदर सिर्फ खोपड़ी और खून के निशान थे। पूरे दिन गैस मास्क को ढूंढने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला, तो हमें प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ा और रेडिएशन वाली जगह पर जाने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट डे हम पुराने टूटे हुए ब्रिज के पास आए और हमें मशीन के अंदर एक बिल्लू दिखाई दिया जो कि वहाँ पर फंस गया था, तो हमने उसे रेस्क्यू किया और फिर हमने एक बार फिर से बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट डे भी हमने सिर्फ बिल्डिंग को सर्च किया। डे 81 पर हम एक नेबरहुड में घूम रहे थे और वहाँ पर हमें फिर से एक सबवे मिला जहाँ पर एक बार फिर से बहुत सारे बटन्स थे लेकिन वहाँ के बटन्स भी काम नहीं कर रहे थे। अरे देख वो जगह ये जैसे वहाँ पे थी ओलंपस में थी, मिलब्रुक स्टेशन। ओ भाई हाँ हाँ, कर ओलंपस, ओलंपस में जा सकते होंगे हम? नहीं चल क्यों नहीं रहा है। और बचे हुए दिन हमने एक बार फिर से आवर अगर देखी। डे 82 पर भी हम सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे और तभी मुझे काफी सस्पिशियस सी बिल्डिंग दिखी और उस बिल्डिंग के चारों तरफ फेंस लगे हुए थे, तो फेंस क्रॉस करके हम अंदर की तरफ गए। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही सारे रूम्स थे, हर एक रूम के अंदर बेड था और रूम के बाहर एक नंबर लिखा हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक पागलखाना था जो कि इस पार्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। नेक्स्ट डे उसी जगह पर मुझे एक बहुत ही बड़ा हॉल मिला और वो जगह देखने में लैब की तरह लग रही थी क्योंकि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट का सामान रखा हुआ था। और तभी मुझे एक बहुत ही मस्त चीज मिली। सम इफेक्ट सीम परमानेंट, क्या होगा ये? करूँ मैं इसको, कंपाउंड को कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर यूज। ए कंपाउंड, ओ भाई जंप कर सकता हूँ मैं। कंपाउंड भी है मैंने और जंप कर सकता हूँ मैं ज्यादा बहुत। कंपाउंड भी तो नहीं था ये? कंपाउंड भी था शायद ये, और मैं होमलैंडर बन चुका हूँ अब भाई परमानेंट है। अरे हंगर भी है पर इसके साथ यार शिट वे। स्पीड 2 है मेरे पास, स्ट्रेंथ 2 है और जंप बूस्ट 2 है। भाई होमलैंडर बन चुका हूँ मैं सच्ची में। रुक जा मेरे लिए भी होगा ऐसा पोशन? हाँ अरे बहुत है यहाँ पे, आ जा। स्टेरॉइड्स है यहाँ पे, स्टेरॉइड्स। उस जगह पर काफी सारे सीरम रखे हुए थे जिन्हें पीकर हमें सुपर पावर्स मिल गई और वो सुपर पावर्स परमानेंट थी। बेल वेल बज रही इधर। रुक रुक मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कंपाउंड 145-4 सुपर सोल्जर सीरम। हैं? सुपर सोल्जर सीरम क्या हुआ ये? स्ट्रेंथ और वाटर ब्रीदिंग। डैम। और इनका यूज करके हम ज़ॉम्बीज़ को काफी बुरे तरीके से पेल सकते थे। लेकिन तभी स्पार्क को एक बोर्ड दिखा जहाँ पर एक स्विच भी था और उस बेवकूफ ने बोर्ड बिना पढ़े ही स्विच को प्रेस कर दिया। और भाई नशे हो गए मेरे को, भाई नशे हो गए मेरे को। क्या सीन हो रहा है? आइयो बाहर। अरे यार मेरे को नौजिया हो गया परमानेंट। भाई इस हिसाब से तो हो लिया मेरा, मेरी तो दुनिया ही हिल गई सारी। और बनो सुपर सोल्जर। आया भाई मैं खत्म हो गया अब, ऑलमोस्ट टूट गया मैं तो अब। दूध पी दूध, मेरे पास नहीं कुछ भी नहीं। परमानेंट नौशिया और स्लोनेस 4 नहीं 6 भाई खत्म। नाइस, दूसरा पी ना, दूसरा पी। ना मेरे चला जा रहा है, ना मेरे कुछ दिख रहा है। ऊपर से यहाँ पे बैल बजी हुई है, कान के अलग अलग है। रुक जा मैं ला रहा हूँ तेरे लिए बढ़िया सिरम। भाई यार ये नौजिया और इसको कैसे हटाऊ मैं? मेरे को ना असली लाइफ में भी नशे हो जाएंगे इस हिसाब से जो ये चला है मेरी स्क्रीन पर। ये ले इसको भी, इसको। भाई हो क्या रहा है पर ये मेरे तो खत्म ही नहीं हो रहा ये इफेक्ट। कौन सा कंपाउंड पिया तूने? सुपर नहीं, कंपाउंड पिया था ना मैंने, कंपाउंड से तो नहीं हुआ था मेरे को कुछ इफेक्ट। फिर मैंने बटन दबाया जिसके ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट प्रेस डेंजर और ये वो, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। आर यू डम? तूने प्रेस क्यों किया फिर जब मना थी वहाँ पे की हुई? पता नहीं, भूख तो अब फिर क्या बोलूँ। और मेरे लिए दूध ला दे कहीं से। गाय गाय गौ माता कहाँ पे हो आप? अब हमारे पास जॉम्बी से बचने से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, तो पूरे दिन मैं दूध की तलाश करता रहा लेकिन ज़ॉम्बीज़ के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। you know, और स्पार्क की ऐसी हालत में कुछ भी नहीं हो सकता था, तो मैं ले चलता हूँ तुझे पानी के अंदर, छोड़ दूंगा तुझे उस पानी के अंदर, रहियो। ठीक है ठीक है, बाहर मत आइयो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। बाहर तो मैं चाके भी नहीं आ सकता, अगर कोई मेरे को खा गया इधर तब। कोई नहीं खाएगा तेरे को,
मैं लाता हूँ दूध, लाता हूँ तेरे लिए। नहीं अगर मेरे को सच्चे में खा गया कोई तो? कोई नहीं खाएगा तुझे, हिम्मत रख। हिम्मत नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता, कुछ भी नहीं, मेरी हालत नहीं कुछ रखने लायक। भगवान पे विश्वास रखिए, राम रहीम जी का ध्यान कीजिए। यू आर द लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर। मेरी तरफ एक ज़ॉम्बी आ रहा है, मैं मारूं कैसे इसको? ए मैं आऊंगा, मैं बचा रहा हूं तेरे लिए, तुझे मैं आ रहा हूं तेरी तरफ। मेरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, उससे अच्छा मैं पेड़ के ऊपर ही ठीक था। बोट लीव कर। हाँ बैठ, अब बैठ, अब बैठ, अब बैठ। किधर बैठो? बोट में, बोट में बैठ। अरे बोट में बैठ ना, मेरे लिए दूध लाओ, मेरे लिए दूध लाओ। ओह नो, बोट भी डूब गई। बोट मेरे लिए दूध लाओ प्लीज। कहाँ लाऊं दूध, अब दूध मिल ही नहीं रही, मिल ही नहीं रहा। तो तू तू ये ले ले पहले खाने के लिए। कर दे कहीं पे, मेरे को नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में। भैया आपके पीछे तेरी पैर। हाँ? भैया मेरी, मेरे को क्या कर दिया इसने, कहाँ पे आ गया मैं? बंद करो। किधर फंसा हूँ मैं? सेफ तू यहाँ पे, बढ़िया हूँ। किधर पर मैं? ए व्हाट द फक, खत्म। और इसी तरह ज़ॉम्बीज़ की जगह हमने खुद के एल खुद लगा दिए और हम 100 डेज की जगह सिर्फ 85 डेज सर्वाइव कर पाए। एक मिनट, मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों की माँ। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। पीस।